गर्दिशाह और सरदार सरफराज डोगर के जेर क्यादत गस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम कातबे फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरुआत ने बैनर और कतबे उठा रखे थे, जिन पर हालत हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हालत के साथ तमाम तर सफारती तलुकात खत्म किए जाए। इस मौके पर पीर मुकदशा और सरदार सरफराज डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जो मुल्क है मुल्क पाकिस्तान ये एटमी ताकत है और दूसरे जो हॉलैंड है वो एटमी ताकत भी नहीं, तो हमने जो एटम बनाया है ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या शो कराने के लिए नहीं, अब हमारे फौज की हमारी अस्करी और सिविल क्यादत की ये जिम्मेदारी है कि वो इस एटम को बाहर निकाले और कहे कि तू मुस्तफ़ा करीम की गुस्ताखी कर और हम इधर से अपना एटम बम छोड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करता हूँ कि जो हॉलैंड ने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी किया है कि उनके साथ सख्ती से निमटे, अगर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ना किया तो जो हमारी कौम है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल है वो बाहर निकल आए और हॉलैंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। हुकूमत पाकिस्तान गुस्ताखाना खाकों को रोकने के लिए हॉलैंड हुकूमत के खिलाफ इलाने जहाद करे, नामूसे रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना हर आशिक रसूल का दीनी फ़र्ज़।